नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। हर कोई चाहता है कि उनके होंठ सुंदर और आकर्षक नजर आएं। ऐसे में बिना जाने कौन कौन से प्रोडक्ट्स को आजमाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ गलतियों के कारण आपके गुलाबी होंठ हो सकते हैं काले। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। रोजमर्रा में हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिनके कारण होंठ न केवल काले हो जाते हैं बल्कि रूखे भी हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं होंठ काले होने के कारण के बारे में। डेड स्किन, होंठों को रोजाना एक्सफोलिएट करना जरूरी होता है, लेकिन वे हमेशा इसे करना भूल जाते हैं। बता दें कि हमारे होंठों की त्वचा डेड स्किन सेल्स को उत्पादित करती है। ऐसे में डेड स्किन को हटाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। डेड स्किन के कारण न केवल होंठों पर झुर्रियां पड़ती हैं, बल्कि होंठों की त्वचा खराब हो सकती है कुछ दवाओं के कारण। कुछ ऐसी दवाइयां हमारे आसपास मौजूद होती हैं जिनके सेवन से होंठ काले हो सकते हैं। इन दवाइयों में दर्द निवारक गोलियां, एंटीबायोटिक दवाइयां मौजूद हैं। ऐसे में इनके सेवन से कुछ साइड इफेक्ट्स नजर आ सकते हैं। इन साइड इफेक्ट्स में होंठों का कालापन भी दिखाई दे सकता है। लिपस्टिक से एलर्जी। बता दें कि कुछ लिपस्टिक ऐसी होती हैं जिनके अंदर मौजूद केमिकल होंठों को काला बना सकता है। इससे अलग कुछ लोगों को लिपस्टिक से एलर्जी भी हो सकती है। ऐसे में होंठों के कालेपन के पीछे लिपस्टिक भी जिम्मेदार साबित हो सकती है। धूम्रपान के कारण। यह तो हम सभी जानते हैं कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, वहीं इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे फेफड़ों पर भी पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धूम्रपान के सेवन से व्यक्ति के होंठ भी काले होते हैं? जी हाँ, जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा धूम्रपान करता है तो उसे होंठों के कालेपन का सामना भी करना पड़ता है। पानी की कमी। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इसके कारण भी होंठों के रंग में बदलाव आ सकता है। जी हाँ, खास तौर पर सर्दियों में व्यक्ति उतना पानी नहीं पी पाता जितना उसके शरीर के लिए जरूरत होती है। ऐसे में सर्दियों में अधिकतर लोगों के होंठ काले पड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं बचाव की। व्यक्ति को अपने होंठों पर नियमित रूप से मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इससे बचना चाहिए। होंठों को चबाने से बचना चाहिए। शरीर को हाइड्रेट रखें। होंठों पर लिपस्टिक के बजाय प्राकृतिक चीजें जैसे चुकंदर आदि का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके लिए हमारा कौन सा नुस्खा कारगर रहा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।